वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी, वावा रमजा तेरिया वे बाबा, वावा रमजा तेरिया, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु, वावा रमजा तेरिया वे बाबा, वावा रमजा तेरिया वे, तेरी माज चो वे, तेरी फाज चो, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी, तेरी माज चो वे, तेरी फाज चो, बाबा मिलनो दलेरिया, वावा रमजा, वावा रमजा तेरिया वे बाबा, वावा रमजा तेरिया, वावा रमजा तेरिया वे बाबा, वावा रमजा तेरिया। ज्योंदिया दे विच कर आसी, जोशी ऐसा पर आसी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु, कर कोई ना संगत जी। हुण असी आप जी नू लै के आ पुजे हैगे आ उस गुरद्वारा साहब जी दे, जिहड़ा कि आप जी नू इतिहास विच दस्सिया सीगा, यानी कि भाई कन्हैया जी दा स्थान। इहनू गुरद्वारा भाई कन्हैया जी दे नाते जाणिया जांदा हैगा। तारापुर पिंड विच सुशोभित यह स्थान, इस स्थान के उत्ते तीन बावलियां हैगियां, वो पानी के स्रोत जिथों भाई साहब जल भर के उत्ते लैके जाया करते सीगे किले विच, ते लोगां नूं छकांदे सी, ते नाल ही जिहड़े घायल बंदे हुंदे सी उहनां नूं जल छकांदे सीगे। इस स्थान के उत्ते आण के बाद पता लग्गिया कि एक पुरातन जिहड़ी बावली है गुरद्वारा साहब एंटर करन तो पहले ही लैफ्ट साइड नूं हैगी थल्ले दे वल, ते दो बावलियां उत्ते गुरद्वारा साहब जी दे नाल साइड दे उत्ते हैगियां। इस स्थान के उत्ते गुरद्वारा साहब जी दे अंदर भाई साहब जी की मशक जिदे अंदर वो पानी भरते सीगे, ते नाल एक भांडा जिदे अंदर वो भांडे नाल पानी भरते होंगे, वो दोनों शोभायमान ने, आप जी नूं भी दर्शन कराने। आओ अंदर चलिए, गुरद्वारा साहब जी के दर्शन करिए, मत्था टेकिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद, गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत, गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद, गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद, गुर बिन आवर नाही मैं था, गुर बिन अवर नाही मैं था, अन बिन जपो गुर गुर नाओ, अन बिन जपो गुर गुर नाओ, गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद सिंह, गुर गोबिंद सिंह, गुर गोबिंद सिंह, गुर गोबिंद सिंह, हक हक अगा गुर गोबिंद सिंह, शाह शहनशाह गुर गोबिंद सिंह, हक हक अगा गुर गोबिंद सिंह, गुरद्वारा साहब जी के अंदर जिथे पालकी साहब है उसके ठीक पिछे शीशे के फ्रेम के अंदर एक लोहे की गडवी पई हैगी, जिदे नाल भाई साहब जी जल भरिया करते सीगे। आओ आप जी दर्शन करो जी। गोबिंद सिंह नास रो मन सूर गुर गोबिंद सिंह, गडवी के नाल ही शीशे की दूसरी अलमारी के अंदर एक चमड़े की मशक पई हैगी, जिदे बारे में आख्या जाता है कि यह उही पुरातन मशक है जिदे अंदर
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੜਵੀ ਦੁਆਰਾ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਤਾਲਾਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਝੰਡਾ ਅਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰੋਸ ਸਰਵਿਸ ਸੀਗੀ। ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ, ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ, ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ। ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ, ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ, ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ। ਓ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਚੇਰਾ, ਓ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਬਾਉਲੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸੀੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਦੋ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਬਾਉਲੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਓ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਨਿਰਗੁਣ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਬਾਵਲੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਠਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਨਿਆ ਜੀ ਦਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਬਾਵਲੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਾਵਲੀਆਂ ਦਾ ਜਲ ਹਲੇ ਵੀ ਪੀਣ ਜੋਗਾ ਅਤੇ ਮਿੱਠਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਵਲੀ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਕੱਢੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਖੂਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਖੂਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਬਿਸ਼ਰੇ ਥੇ ਮਾਦੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੌਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਚਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ, ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਚਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ। ਆਓ ਚਲੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਸਨਾ ਜਪਦੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਰਸਨਾ ਜਪਦੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ 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 ਤੂੰ ਹੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪੁੱਜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੌਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ।
इस स्थान के उत्ते धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का एक इतिहास जुड़िया हुआ है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव जिन्हों होला महला के नाते जाने जाता है उसकी शुरुआत भी इतों हुई सी। आओ अंदर चलने हैं, मत्था टेकने हैं, उपरांत आप जी दसने इतने का संपूर्ण इतिहास। वाहगुरू जी का खालसा, वाहगुरू जी की फतेह। खालसा अकाल पुरख की फौज, खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटे ओ खालसा परमात्म की मौज, प्रगटे ओ खालसा परमात्म की मौज। जब लग खालसा रहे न्यारा, जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज कियो मैं सारा, तब लग तेज कियो मैं सारा। जब एह कहे विपरन की रीत, जब एह कहे विपरन की रीत, मैं न करो इनकी परतीत, मैं न करो इनकी परतीत। खालसा काल पुरख की फौज, खालसा काल पुरख की फौज, प्रगटे ओ खालसा परमात्म की मौज, प्रगटे ओ खालसा परमात्म की मौज। बोले सोने हार सासरी अकाल। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। चतर चक्रवर्ती चतर चक्र पुगते, स्वयंभव शुभं सर्वदा सर्वजुगते। दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगं विभूते। सदा अंग संगे अपंगं विभूते, सदा अंग संगे अपंगं विभूते। वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु। संगत जी, गुरद्वारा किला श्री हॉलगढ़ साहब जी दे दर्शन करन तो उपरांत हुण आप जी नूं असी इत्थे दा इतिहास दसने हैगे आ। ओ इतिहास जिहड़ा इस गुरद्वारा साहब नाल संबंधित हैगा ते जिहड़ा किला इत्थे होया करदा सी किसी जमाने विच उहदे नाल संबंधित सीगा। गुरद्वारा किला हॉलगढ़ साहब जिहड़ा हैगा ऐ अगमपुर एक पिंड हैगा उहदी बिल्कुल बाउंड्री या सीमा दे उत्ते ऐ शोभायमान है। इहदी दूरी केशगढ़ साहब तो तकरीबन 2 किलोमीटर है। इत्थे आराम नाल आसानी नाल पहुँचा जा सकता हैगा। इत्थे आण दे उत्ते सानू ऐ पता लग्या कि इस स्थान दे उत्ते पुरातन किले दा कोई भी अवशेष बाकी नहीं हैगा। पुरातन जिहड़ा किला सीगा हॉलगढ़ दा वो चरण गंगा दे कंडे ते हुंदा सीगा, इस तरह कुछ इतिहासकार दसदे ने। ते उस स्थान दे उत्ते पहले एक किला होर सीगा जिनू अगमगढ़ दा किला आख्या जांदा सीगा। ते जिथे ए किला होया करदा सीगा यानी कि किला हॉलगढ़ साहिब, उहदे सामने एक बहुत वड्डा मैदान भी होया करदा सीगा। ते ए सारा कुछ जिहड़ी चरण गंगा नदी जिहड़ी सी छोटी जां उहदे कंडे ते वसिया होया सीगा। हुण चरण गंगा नदी भी इत्थों दूर हट गई ते वो एक नाले दे रूप में परिवर्तित हो गई है। खाली जिस वक्त बरसातां होंदियां ने ते उहदे च पानी आंदा है, अदरवाइज़ वो नदी तकरीबन तकरीबन सुकी हुई हैगी। इस स्थान दे नाल जिहड़ा मेन इतिहास हैगा जिस तरह इहदा नाम हैगा हॉलगढ़, वो हैगा होला महला दे नाल जुड़िया हुआ। होला महला सिखां दा वो पर्व जिहड़ा होली दे दिहाड़े मनाया जाता हैगा। आओ तुहानूं दसने हैगे आ कि होला महला दा इतिहास इस स्थान नाल किस तरह जुड़िया हुआ हैगा। अ
अमृत दे दाते तन तन साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जिस वक्त अमृत दी दात बख्शी ते खालसा दा स्वरूप सजिया उदे नाल उना दी शोभा दूर दूर तक पहुँच गई। जिन्हों होर उजागर करन वास्ते उन्होंने यह तय किया कि होली वाले दिहाड़े वो सारी सिख संगतां नूं इनवाइट करनगे, बुलाणगे, न्योता देणगे, ते जिस कर उन्होंने दूर दिहाड़े दे पिंडां विच ते शहरां दे विच लोगों नूं चिट्ठियां भी भेजियां। ऐसा इतिहासकार दसदे ने गुरु साहब जी नाल जुड़े हुए सारे श्रद्धालु सिख सिखणियां बच्चे दूरों ते नेड़ों आके आनंदपुर साहब दे विच इकट्ठा होण लगे। रोज़ सवेरे धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे दीवान सजदे सन। अमृत दी महानता अते शस्त्रां दी विशेषता तो सिख संगतां नूं प्रेरित किया जांदा सीगा। दूजी ओर होली दे दिहाड़े होली मनाण वाले बच्चे तो लै के बजुर्गों तक सारे लोग एक दूसरे ते रंग मिट्टी ते किचड़ सुट रहे सन। कुछ लोग तो खेडदे खेडदे लड़ भी पैंदे सन। गुरु साहब अपने सिखां नूं इस लड़ाई झगड़े तो दूर रख किसी होर पासे लाना चाहते सन। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने सिखां नूं आग्या दित्ती कि वह शस्त्र वस्त्र पा तैयार हो जाण ते अज खालसा होली नहीं होला मनाएगा। जब सारे शस्त्र वस्त्र पा तैयार हो गए तो पैदल ते घुड़सवारां नूं कतारां विच खड़ा कर दिता गया ते जोर जोर नाल रंजीत नगाड़ा वजाया गया। फिर एक विशेष स्थान जिन्हों हुण असी किला होलगढ़ दे नाते जाणदे हैगे आ उस स्थान दे उत्ते जंग दा एक काल्पनिक खेड खेडिया गया। एक पासे दुश्मन दा मोर्चा बना उसते सत श्री अकाल दे जयकारे जोर जोर नाल छड हमला कीता गया ते दूसरी ओर दुश्मना दा ओ काल्पनिक मोर्चा तोड़ के नगाड़ियां दे नाल फतेह दे जयकारे छड्डे गए। यह सारा एक खेड सीगा जिहदा मकसद सीगा लोगां नूं सैल्फ डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा दी प्रेरणा देना। सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा। जिथे किला हॉलगढ़ सी एदे नाल चरण गंगा दे मैदान दे उत्ते शस्त्र विद्या दी खेडां कराईयां गईयां जिदे विच घुड़सवारी, नेजाबाजी, तलवारबाजी, गतका ते कुश्ती दे मुकाबले भी कराए गए। ऐसा इतिहास विच लिखिया है। इतिहास विच जिक्र आंदा है ते कई पुस्तकां विच भी लिखिया हैगा कि इस तो बाद सारियां संगतां नूं धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दीआं खुशियां प्राप्त होईयां ते इस स्थान दे उत्ते लंगर दे विच खुला महाप्रसाद वरताया गया। उस तो बाद यह परंपरा शुरू हो गई कि हर होली वाले दिहाड़े सिखां ने होला मन्ना मनाना शुरू कर दिता ते संगतां हर साल आनंदपुर साहब पुज के इस समागम विच शामिल होंदियां ते धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दीआं खुशियां प्राप्त कर दियां। अज भी आनंदपुर साहब का होला महला पूरी दुनिया विच मशहूर है ते नगर कीर्तन केसगढ़ साहब जी तो अरदास करन दे उपरांत निकल के किला हॉलगढ़ साहब जिथे गुरुद्वारा साहब सुशोभित है उत्थे आंदा है ते उस तो उपरांत ही इस उत्सव की शुरुआत होंदी है जिसनों असी होला महला दे नाते जानते हैं। इतिहासकारां दा यह भी दसना हैगा कि पहला नगर कीर्तन पहली बार तख्त श्री केशगढ़ तो निकल इस स्थान दे उत्ते पुज्या सी जिथों यह परंपरा शुरू होई। इस प्रकार धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी मेरे अमृत दे दाते सरबंश दानी उन्होंने रंगा दे इस त्यौहार नूं एक मकसद दिता ते इहनूं होली दे स्थान ते सिखां दे लई होला महला दा उत्सव बनाया। मुख रूप नाल सिख संगतां हर साल इस नूं मनांदियां ने। देश विदेश तो दूरों दूरों लोग इकट्ठे होकर आनंदपुर साहब पुजदे ने। वैसे तो होला महला दा यह त्यौहार हर गुरद्वारे विच मनाया जाता है लेकिन जिदी शोभा इस त्यौहार दी आनंदपुर साहब विच है वह किथे भी नहीं हैगी। यह सीगा स्थान गुरद्वारा किला श्री होलगढ़ साहब ते होला महला दा संपूर्ण इतिहास। दास कोलों इतिहास दसदे वक्त किसी प्रकार की जो भुल चुक हुई होवे उहदे वास्ते क्षमा दे याचक है गया। कोशिश करांगे अगे तो सुच्चा ते सुच्चा इतिहास आप जी नाल सांझा करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिंह जी अज दे एपीसोड विच
आप जी ने दर्शन किए तीन तीन गुरुद्वारा साहब जी दे, पहले किला गुरुद्वारा तारागढ़ साहब, उपरांत गुरुद्वारा भाई कन्हैया जी, ते अंत विच किला गुरुद्वारा हौलगढ़ साहब जी दे। कल आप जी को फिर मिलेंगे एक नवे स्थान ते, एक नवे गुरुद्वारे दे विच, एक नवे इतिहास दे नाल ते करावांगे उत्थे दे भी दर्शन। तद तक तुसीं साडे नाल बने रहो ते वेखदे रहो साडी यात्रा, स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ द टर्बन ट्रैवलर यात्रा, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी, साडे यूट्यूब चैनल द टर्बन ट्रैवलर दे, ते नाल ही PTC सिमरन दे उत्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वे बाबा वावा रमजा तेरिया, वावा रमजा तेरिया, वे बाबा वावा रमजा तेरिया। वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी। बाबे मौत मूरे अड़ गए सी, जुल्मा दे नाल लड़ गए सी। वाहे गुरु जी, वाहे गुरु, छू के थोड़े पैरानू सर सादे पानी खड़ गए सी जी। तेरे प्यार ने दरबार ने